तीस लक्षानी पसव, इसके पश्चात 30 लाख पशु होकर के हम जन्म ले, सुकर मुकर कुकर है, गाय यानी शेर आदि अनेकों प्रकार के पशु के हम जन्म ले। कितने लाख बताए? 30 लाख 3 मिलियन ऐसे 10 लक्षानी पक्षी नाम, 10 लाख यानी 1 मिलियन ना, 10 लाख पक्षी होकर के बर्ड होकर हम जाऊंगे ऐसे करते करते कितने लाख हो गया? आपने काम किया कि नहीं? नहीं किया, बोलिए है 84 लाख ही बनेगा टोपी। अभी 80 लाख हुआ है और चतुर्लक्षानी मानव, ये 4 लाख जो है लास्ट में मनुष्य शरीर के, वो भी सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, केवल आहार निद्रा भय इस कार्य में रत रहे, भोजन करना और सो जाना और संतान संतति पालन करना और मृत्यु भय से हमें डरते रहे, ऐसे भी जिन जीवन चला गया। ऐसे करते करते देखो किसी प्रकार से भगवान ने सत्संग की व्यवस्था कर दी। क्यों? बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिख रहे हैं, प्रभु के जब तक कृपा नहीं हो तब तक सत्संग में हम बैठेंगे नहीं। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वो बैठेंगे, सब नहीं बैठेंगे, ये आप समझने के लिए प्रयास करें। 1000 बोलने पर भी वो बैठ पे नहीं पाएंगे। ये कहता है बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना, कि जब तक हम सत्संग में नहीं बैठे तब तक हम कैसे क्या समझेंगे, ये अच्छी है ये बुरी है, मार्ग के अच्छी मार्ग के हम कैसे चुनेंगे, रास्ता कैसे चुनेंगे? अरे सत्संग साधु संग संत महात्मा ही बताएंगे। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ होना, इसलिए सत्संग करना चाहिए, साधु के पास बैठना चाहिए, अपने के लिए आप विचार करके देखे जीवन में क्या करके जा रहा हूं। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं जाएंगे हाथ उठाइए, क्या बाबू जी समझ में आ रहे हैं? बहुत समझ में, ठीक ठीक समझ में आ रहे हैं, थोड़ा ताली भी दाओ है। सभी जानते हैं हम इस संसार से एक दिन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वेयर विल गो, ये पता है? इसी के पता करें, साधु यही बताएंगे है? साधु तो यही बताएंगे जहाँ हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है और मैं क्या करके जा रहा हूँ है। और जर्नी में हम एक ही काम करते रहते हैं, ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड मेडिटिंग, वही आहार निद्रा वही मैथुन, इससे अधिक हम कुछ नहीं किया। और जिस जन्म में हम सत्संग के बैठे और ये समझने लगे वास्तव में हमारे जीवन के तात्पर्य क्या है, तो वो सोचेंगे कि मैं किस लिए आया, क्या करके जा रहा हूं, धन संपत्ति और माल खजाना यह सब बड़ा रह जाएगा। रावण के कितने धन संपत्ति था, सोने के लंका था, लेकिन सुने आप लोग, आपके घर में कितने सोना है, हाउ मच गोल्ड हैव यू,
नॉट टू मच, ओके, डोंट टेल, थोड़ी बहुत होगा, अरे हमारे पास है ही नहीं। किंतु देखो रावण के पास कितने सोना था, आप लोग सुने कि नहीं, कितना था उनके लंका ही क्या था, सोना कहीं था, सोने के लंका था ना, है पूरा है। और उनके बेटा कितने थे, है एक लाख बेटा थे और स्वालख नाती, है स्वालख नाती, और वंश वंश में बाती देने में कोई नहीं रहा अंत में, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, है बात ही सही कि नहीं है। वो कहां की सर, कहां सब चले गए, है इंद्रजीत जैसे बेटा उनके प्राप्ति हुई, इंद्र के भी स्वर्ग के राजा इंद्र के भी वो जीत लिया था, इसे नाम हो गया इंद्रजीत, है देखो है? पुत्र कम नहीं, पुत्री भी मंदोदरी सुंदरी, सभी प्रकार की उसकी धन सौंदर्य सौंदर्य माधु सब भरा हुआ था, और ना रावण कम ज्ञानी भी नहीं था, महाज्ञानी थे वो, है आप रावण के बारे में यदि पढ़ देखेंगे, रावण ऐसे महाज्ञानी थे, सब वेद पुराण उपनिषद प्राप्त कर लिया था, ज्ञान कर लिया था, है आप देखिए शिव की स्तुति कैसे करते हैं, है किंतु वह बहुत अहंकारी थे, दंभिक थे, यही दोष, कभी सिर झुकाया नहीं। एक बार देवी पार्वती कहने लगे पतिदेव आज भूचाल कैसे आ गए, भूचाल समझो अर्थ कैसे आ गए, कैलाश में शिव जी देवी पार्वती के साथ बैठ करके भागवत कथा कथा चल रहा था, इतने अकस्मात पूरा कैलाश ऐसे हिलने लगे, तो देवी पार्वती कहने लगी पतिदेव अकस्मात सडनली कैलाश पर्वत कैसे हिलने के क्यों रहे, हिल रहे क्यों, तो देखो शिव जी कहने लगे मेरा बड़ा शिष्य आ गया, मेरे बड़े शिष्य आ गए, कौन, बोले रावण आ गए, क्यों, बोले रावण ऐसे दमिक था वो गुरु के कभी प्रणाम नहीं करता, शिव जी के प्रणाम नहीं करता था, सूर्य झिकाता नहीं था, वो क्या करता था, बोले पूरा पर्वत के उठा करके सिर पर रख देते थे, बोले वृंदावन पे, बोले रावण मर जाएंगे किंतु उसके सिर कभी झुके नहीं, ऐसे दंभिक, देखो ऐसे से हम इसलिए कर रहे हैं, रावण कोई कम विद्वान नहीं थे, कम बुद्धिमान भी नहीं थे, सब प्रकार के उसके जो है गुण था, किंतु उसके एक ही था, क्या दुर्गुण क्या था, अभिमान अहंकार, देखो जिसके फलस्वरूप उसकी भगवान को मणि मानते थे, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, भगवान के मानते नहीं, इसलिए गीता में संग भगवान कहते हैं दौ भूत स्वर्ग लोके उस्मिन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरिस्तद विपर्जय, भगवान कहते अर्जुन सुनो इस संसार में देवता कौन है और असुर कौन है, दो भूत स्वर्ग दैव आसुर एव च, देव भाव जो होते हैं भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, है और असुर किसको कहते हैं, जो भगवान के नहीं मानते, इसलिए दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद विपर्जय, और असुर लोग की परिणति क्या होता है, उनकी भगवान के हाथ में इसको मरना पड़ता है,
इसलिए हमारे हृदय में जो असुरिक वृत्ति जो है, असुर वृत्ति माने नास्तिकता जो है, वो नास्तिकता को हम त्याग दें, भगवान पर विश्वास करके हम चले, शास्त्र जो कहते हैं उसके विश्वास, साधु वाक्य, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य, चित्ते ते कोरिय ऐक्य आर ना कोरिय मन आश, शास्त्र क्या कहते हैं, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इस जीवन आप ऐसे गए तो अगले जीवन नहीं मिलेगा, फिर कितने समय के बाद मिलेगा, देखो 84 लाख बीतने के बाद इतने समय तब तो आपको घूमना पड़ेगा एरोडिशन का, है? और विश्वास करे या नहीं करे, यू आर एथिस्ट और थिस्ट, दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दैट, क्या ये जो बात शास्त्र में कह रहे ये एब्सोल्युटली ट्रुथ, परम सत्य है, सत्यं परम धीमहि, क्या बताया, सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम वस्तु के हम ध्यान करते हैं, वो सत्य परम वस्तु स्वयं भगवान है, ये जो श्रीमद भागवत में ही वर्णन करते जा रहे, वो सच्चिदानंदमय पुरुष ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, वो स्वयं भगवान कृष्ण, उनके विग्रह सच्चित आनंदमय, सत माने सत्ता, चित जिसमें चित ज्ञान है, अप्राकृत ज्ञान सच्चित और आनंदमय, ये तीनों के सचित आनंदमय वो विग्रह, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंदमय विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण, समस्त कारण के ही कारण है, जो कुछ हम संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब करने वाले कौन है, वही परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद स्वयं भगवान कृष्ण, बल वृंदावन बिहारी लाल की है, वही वंशीधारी है, देखने में तो ऐसे छोटा बालक बांसुरी बजाने वाले, किंतु देखो सभी हमें कराते हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है, कोई भक्त कहते हैं कि तू कराते हो और मैं करता हूं, नाम होता है मेरा, है कि नहीं, तू कराते हो और मैं करता हूं, नाम किसका होता है, मेरे नाम होता है, है? देखो प्रभु की कैसे लीलाएं जो है, कौन समझ सकते हैं, जिनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं, हिलता है, उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय क्रिएशन, जो कुछ भी देख रहे हैं, सृष्टि जो हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो हम लोग जो जीवित है और जो कुछ भी ध्वंस हो जाता है, उनकी इच्छा से, जिनकी आंखों की भ्रुभंगी से सब कुछ चलता रहता, वही परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा जगदीश्वर है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में स्तुति आदि करते रहते है, उनकी इच्छा से हम जन्म लेते हैं संसार में और उनकी इच्छा से हम शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी सब इच्छाएं, ऐसे परम पुरुष भगवान हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वही हमें सब कुछ देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, किंतु हम समझ नहीं पाते,
उनकी नमक हम खाते हैं। किसके नमक खा रहे? प्रभु है। किंतु कहते हैं जिसको नमक खा रहे हैं उसकी हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? नमक का हराम कहा जाता है। एक शब्द होता है ना, क्या बोलते हैं? नमक हराम। अनग्रेटफुल पर्सन, जिन्होंने हमें इतने सब कुछ दे रहे हैं है? उनके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं है? ये हमारी बुद्धि किसने दिया? आप इंजीनियर इंजीनियर बन गए, लॉयर बने, डॉक्टर बने, ये बुद्धि कहां से, किसने दिया? प्रभु ने है? हमारे चलने की शक्ति किसने दिया? वही प्रभु ने दिया है। शक्ति हमारे सब देते हैं, थोड़ा हम उसके विचार करें है? कभी कभी हम अहंकार ही हो जाते हैं, मैंने किया, मैं कौन करता है भाई? कौन करता है? समझ में आ रहे? बकरी, बकरी है ना, गोट, मैं वास्तव मैं करने वाला नहीं हूं। वही प्रभु ही शक्ति देते हैं, वही बुद्धि देते हैं है? उनकी कृपा से सब कुछ हम करते रहते हैं। किंतु उनके लिए मैंने क्या किया? जो हमें इतने दिया, जो परम पिता परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम उनको क्या चीज देंगे? हमारे पास कुछ है देने के लिए? तथापि भगवान कहते हैं तुम मुझे क्या दोगे? एक काम करो, जिस प्रकार गंगा पूजा जानती है, गंगा देवी, गंगा पूजा कैसे होती है? गंगा जल के द्वारा। देखो जब कोई पूजा पाठ करे क्या चाहिए? गंगा जल चाहिए कि नहीं चाहिए? आदि गंगा पूजा देवी गंगा की पूजा करे तो क्या चाहिए? गंगा जल। वही गंगा जल के द्वारा ही गंगा की पूजा करो, अर्थात प्रभु की दी हुई वस्तु की द्वारा प्रभु की ही अर्पित कर दो। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रजच्छति। पत्र पुष्प जो कुछ भी वो तुम मुझे निवेदित कर दो, हम तो कुछ लेकर के आया ही नहीं है। हम प्रभु के क्या देंगे? हमारे पास तो कुछ है नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे दिए हुए वस्तु तुम मुझे ही दे दो। देखो पिताजी बाजार में गए है? और अपने बच्चे के लिए क्या खरीद करके लाया? लॉली ना, क्या बोलते हैं? लॉली खरीद करके लाया, चॉकलेट। चलो है, बच्चे अपने बच्चे को दिया और बच्चा जब कहते ना पिताजी आप एक लो, देखो पिताजी की हृदय कैसे प्रसन्न हो जाता है, है? पिताजी अपने बेटा के लिए लाए हैं और बेटा के दिया, बेटा जब कहते हैं पिताजी आप ही ग्रहण करो, है? पिताजी का नहीं नहीं बेटा तेरे लिए मैं लाया तुम, और बेटा कहते नहीं नहीं पिताजी पापा आप लो। देखो पिताजी के हृदय कैसे प्रसन्न होता है, है? तात्पर्य क्या है? ना भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं और भगवान की दी हुई वस्तु हम भगवान की अर्पित करें। ये सांस हम ले रहे हैं, हवा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला? प्रभु के, प्रभु ने दिया है? सब कुछ जो कुछ भी हम देख रहे इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब प्रभु का ही है। ईशावस्यं सर्वमिदं यत्किंचन जगत् जगत् तेन तप्ता भुंजिता मा गृध कश्य सिद्धनम्। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब प्रभु की दी हुई वस्तु है कि नहीं? एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, हमारा कुछ नहीं है, है? और वही वस्तु प्रभु की जो आप देते हैं प्रभु आनंदित आनंद होता है। पिताजी घर में आए कितना आनंद होता है वो सतपुत्र ही जानते हैं जिन्होंने मुझे पाला पोषा है।
जो माता पिता मुझे पाला पोषा है, वो माता पिता जब घर में आते हैं उसके पुत्र आनंद होता है, ये जिनके कृपा से है मुझे ये सब सब कुछ प्राप्ति हुई है कि नहीं है, है? पिता यदि पालन पोषण नहीं करते, माता यदि मुझे पालन पोषण नहीं करते है, हम कहां से क्या चीज क्या कर लेते है? इसलिए शास्त्र में कहा गया, वेद में हमारी कहा गया, प्रथमन मातृदेव भव। सुनिए अच्छी तरह से, पहले गुरु मेरा कौन है? माता मेरा गुरु है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। हम भूल गए, हम कितने बार चढ़ने के लिए खड़े होने के लिए प्रयास किया, दीवार पकड़ करके खड़े होने के लिए प्रयास की, बार बार नहीं गिर गए, किंतु मेरे माँ ने क्या की, उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया है कि नहीं? भूल गए? कौन कौन भूल गए, हाथ उठाऊ? सब भूल गए, किंतु वास्तव सत्य है। आप अपने बेटी के हाथ पकड़ करके चलना सिखाया कि नहीं सिखाया? ये बेटी ऐसी खड़ी हो जाए, गिर जाते फिर हो जाए है? देखो, इसलिए शास्त्र कहते हैं पहली गुरु मेरा कौन है? माता का है। मातृ समो नस्ति, माँ की भांति संसार में कोई हो ही नहीं सकता, माँ के भांति स्नेह प्रति कोई कर नहीं सकता, हजार कुछ भी कर दे, बोले संसार की बात सुनी आई है, मातृ समान गुरु है, जिस स्नेह जीविता, जिनके स्नेह रूप अंचल के द्वारा मैं जीवित रहा है। देखो कितने जी, पिताजी है मुझे पालन पोषण किया, भरण पोषण जो कुछ भी नरिशमेंट किया है, हम भूल जाते। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, क्यों हमारे शास्त्र में ये लिखा गया कि हम संसार में जन्म लेते हैं ना, सुनिए ठीक से, जन्म लेने के साथ ही साथ हमारे छह प्रकार के ऋण हो जाता है, कितने प्रकार के? छह प्रकार, सब हमके ऋण ऋण हो गए। बोले कैसे है? देवर्षि भूताप्त ऋणांग पितृनांग न किं करो मृणी च राजन सर्वात्मा ज शरणं शरणं गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यं। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे, हम इस संसार में जन्म लेने के साथ ही साथ कितने हमारे ऋण हो जाते हैं, किसी को उधार लिया आपने, कर्ज है लिया, इसमें लिख रहे सब लोग ऋणी है, क्या कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, सब ऋणी है भाई। सुनिए अच्छी तरह से, बोले एक ऋण कैसे है, देव ऋण, देवता के निकट हम ऋणी हो जाते हैं है? देव ऋण, ऋषि ऋण, संत महात्मा के निकट हम ऋणी हो जाते हैं, भूत ऋण, दूसरे जीवों के पास हम ऋणी हो जाते हैं है? राजा के निकट हम ऋणी हो जाते हैं, पिता के निकट, माता के निकट हम सब ऋणी हो जाते हैं है? इस संसार में हमने ऋण चुकाते चुकाते थक गए हम है? इसी की कथा संसार चक्र, बार बार हम आ रहे, किसी से एक दाना एक काना कौड़ी लिया, उसे नहीं चुकाया, उसको देना ही पड़ेगा तुम्हें है? जन्म जन्म आना ही पड़ेगा है? आप इसको सोचिए, इस संसार में हम सब भ्रमण कर रहे किस लिए, भागवत में प्रमाण दे रहे हैं, हम लोग सब ऋण चुकाने के लिए आए हैं, किसी के पुत्र के रूप में, किसी के माता के रूप में, किसी के बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, किसी ने की होकर के हम आ रहे हैं, ये ऋण चुकाने के लिए हम सब इसी प्रकार घूम रहे, एक एक जन्म ऐसे घूमते जा रहे हैं।
ऋण से मुक्त कैसे होंगे? जब तक हम ऋण से मुक्त नहीं हो, और तब तक बार बार आना पड़ेगा इस संसार, देना ही पड़ेगा। ऋण से मुक्ति होने के उपाय क्या है? है? आप किससे पैसा ले लिया और ऋण नहीं चुकाया, किसी ने किसी प्रकार से आपको चुकाना पड़े, कुत्ते हो करके ऋण चुकाना पड़ेगा, गाय भैंस हो करके ऋण चुकाना पड़ेगा, दूध देना पड़ेगा ना है? आप इसके अच्छी तरह से समझिए, कहीं नहीं कहीं किसी प्रकार से आपके ये संसार में ऋण चुकाना पड़ेगा है? इसलिए भागवत में कह रहे गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, एकमात्र भगवान श्री हरि मुकुंद मुक्ति ददाति जैसे इति मुकुंद, जिनके चरण आश्रय लेने से सब जीव समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है, है? समझ, इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं जब तक हम भगवान मुकुंद के चरण आश्रय नहीं ले तो हम ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, आना ही पड़ेगा संसार बार 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 बार। अभी हम जिस कथा में प्रसंग जी बोल रहा था, एक लड़का अपने माँ के बोले माँ आज मंदिर में मैं गए, और एक संत महात्मा ऐसे बोले जिस संसार में सबसे बड़ा ऋण है, बोल रहे मातृ ऋण है कि नहीं? मैंने पहले ही कहा जो माँ जितने मुझे पालन पोषण किया, मुझे खिला पिलाया, मेरे लिए जितने त्याग स्वीकार की और किसी ने नहीं किया, 9 महीने कितने दिन, 10 दिन अपने घर में धारण किया, कितने कष्ट स्वीकार किया मेरे लिए है? माँ जैसे संसार में किसी ने हो नहीं सकता, माँ जैसे मुझे पालन पोषण किया, जो माँ है वही समझ सकते हैं, दूसरे के लिए कोई संभव नहीं है, है? वो गर्भधारिणी माँ ही जान सकती है एक बच्चा के पालन पोषण और रक्त एक करने के उसके बड़ा करने में कितने समय लगता है, है? बात ये सही है कि नहीं? पिता की भी उतना भी नहीं होता है जितने माँ ने एक बालक के अपने पुत्र के जितने त्याग आदि दिया, अपने बलिदान दिया है, ये बात ये सही है कि नहीं है? है जो माताएं हैं वो समझ सकते हैं, जो गर्भधारिणी माँ है वही बता सकते हैं, वही केवल अनुभव कर सकते हैं, वही बोल सकते हैं है? कितने कष्ट प्रति क्षण क्षण में मानो मृत्यु के ग्रास से वो बाहर आ जाते है। चल तो वो व्यक्ति कहने लगे अपने माँ के कहने लगे माँ ये संत मंदिर में गए संत महात्मा बोले सबसे बड़े ऋण कौन सा ऋण है? मातृ ऋण है। वो बेटा बोले माँ तुम्हारे सारे ऋण को मैं सब चुका दे रहा हूं, क्यों? जिसको सेवा करें मातृ सेवा करेंगे तो ऋण चुक जाए, जिसको सेवा करेंगे उसके ऋण मुक्त हो जाएंगे है? समझ में है? माँ बेटा करने लगे माँ तुमको मैं तुम्हारे मैं सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा करके तुम्हारे सारे ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँ। हमारे शास्त्र में भी लिखा है देखो एक माँ की ऋण से मुक्त होने के लिए 7 जन्म लेना पड़ता है, 7 बार आपके इधर क्या करना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है, मातृ जन्म लेना पड़ेगा। यदि कोई कहे जे मातृ ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूं तो माँ की मैं सेवा करूं, तो शास्त्र कहते हैं जे 7 जन्म तक माँ की सेवा करके भी वो भी संभव नहीं होगा पूर्ण रूप से मातृ ऋण से मुक्त होना है। किंतु लड़का कहने लगे माँ मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, और सेवा करके तुम्हारे ऋण से मुक्त होना चाहिए। माँ हंसने लगी बेटा
मेरे ऋण से मुक्त होना चाहते बच्चे? एक काम कर, माँ वृद्धा होगी, मानो माँ की उम्र कितने हो गया, 70-75 साल, कितने साल, 70-75 साल। यहाँ पर 75 साल की कोई माँ है? हाथ उठाइए, देखो माता जी है, बोलो वृंदावन बिहारी लग है। हाँ माँ, आपके क्या नाम है? कामिनी बहुत सुंदर, कामिनी भारद्वाज, जय हो। चलो बेटा कहने लगी, ये माँ तुम्हारी सेवा करके मैं मुक्त होना, सेवा करके। माँ कहने लगी, बेटा एक काम कर, है आज तू मेरे पास सो जा, है विश्राम करो। है माँ की बिस्तर पर बेटा सोए, है आधी रात में माँ उठी, उठ करके कहने लगी, बेटा ठंडी के समय था ना, है रात 12 बजे माँ उठी और उठ करके बोली, बेटा मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। बेटा सो रहे थे ना माँ के, है बेटा उठ, अरे बेटा मेरे लिए पानी ले आ। बेटा गए, है नींद तो पुरानी हुई ना आधी रात, बेटा उठे पानी लेकर के माताजी को दिया। माताजी जानबूझ करके थोड़ा पानी पिया, फिर माताजी लेट गए, बेटा भी लेट गए। फिर 10-15 मिनट के बाद कहने लगे, बेटा बच्चा क्या जगाया, बोले बेटा एक काम कर, मेरा पैर थोड़ा दबा दे। बेटा बहुत कष्ट से उठा, उठा उठा के माँ के धीरे धीरे पैर दबाया, सो गए, बेटा सो गए। फिर 15 मिनट बाद में माँ जानबूझ करके, अभी देख देखो सुनो इसके, माँ जानबूझ करके बेटा चैलेंज दिया ना, जे मैं माँ के सेवा करके ऋण से मुक्त होना चाहिए। 15 मिनट के बाद करके बेटा थोड़ा एक गिलास थोड़ी सी पानी और ले आना। बेटा करके लगे, आप वृद्ध होगी, आपके लाज समझा नहीं, बार बार मुझे उठाते हो, है देखो गुस्सा आ गया, है जब नींद अच्छा माँ जान को फिर कहने लगे, अच्छा ठीक है, अच्छा बेटा कहने लगे, बेटा गुस्सा से थोड़ा पानी दिया, माँ जानबूझ कर हाथ को थोड़ा हिला दी, और हिला दिया तो थोड़ा पानी बिस्तर में गिर गया। बेटा गालने लगे, कहने लगे, हम सोएंगे कैसे कैसे, ये गिले भीगे हुए बिस्तर में सोएंगे कैसे, मेरे ऐसे कर, बच्चा गाली देने। माँ कहने लगे, बेटा मेरे ऋण शोध करोगे, तुमने कहा ना, देख बेटा तू जब छोटा थे, है एक साल डेढ़ साल, मैं कितने बार 6 महीने था, आजकल तो क्या करते अलग कर देते ना, क्या पता नहीं है, जब तुम छोटा था मैं तुमको गोद में रखा, कितने बार तुम क्षण क्षण में जग गया और मुझे जगाया, आधी रात में बच्चा जग जाता है ना, पिताजी से छोड़ करके दूसरी कमरे में जाकर सो जाते हैं। अरे बात सही है कि नहीं है, अरे बच्चा टैं 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 करते रहते हैं, कभी कभी बच्चा देखो सर राव टैं 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 टैं, क्या पता है उसको, आज को ये हमारे बहन जी बैठी हुई है, बच्चा जग जाता है ना, कभी जग जाता है, दिन दिन में दिन में दिन में सो जाता है बच्चा और रात में जगता है, बात सही है कि नहीं है, और कब चाहे कब पैखाना कर दे, पेशाब कर दे, आजकल तो दूसरी कहते हैं ना, क्या पहना देते हैं मुझे पता नहीं, हम आजकल तो कर्जा चढ़ता ही नहीं, आजकल ज्यादा कर्जा चढ़ता है, सुनिए शादी की भाषा, हाँ देखो वो माँ कह रही है, बेटा तू थोड़ा सा दो बूंद
पानी हमारी बिस्तर पर पड़ गया, तुम सोने के लिए तुम इतने करो, क्या तुम जानते हो क्या जब तुम छोटा थे कितने बार तुम्हें मुझे जगाया। एक दिन की बात नहीं है ये, तो एक दिन की बात मैं तुम्हें बता रहे हूं। एक दिन हमारे पास सोने में तुम्हारे इतने कष्ट हो रहा है, तुमको मैं 3 बार जगाया और पानी जानबूझकर माता ने 2 बूंद पानी भी बिस्तर में डाल दी, और तुम मुझे कह रहे हो मैया ऐसे कैसे नहीं, मैं कितने बार तुम कितने पेशाब कर दिया, कितने पायखाना कर दिया, आधी रात में बच्चा के पेट में दर्द होता है ना, किसने दर्द हो रहा क्या पता है, बच्चा भूख से रो रहे हैं कि पेट से दर्द से रो रहे हैं क्या पता है, आप बताओ, डॉक्टर भी बता भी कहां से कर पाए, आप बताओ है? कितने ऐसे एक नहीं कितने रात बीत गए है? तुम्हारे लिए मैंने कितने रात सोए नहीं है, बात सही है कि नहीं है, कितने रात सो नहीं पाया मैंने है? जब से तुमको मैं गर्भधारण से लेके और अभी तक भी तुम्हारी चिंता में ही पड़ा रहता हूं है? माँ जैसे हमें चिंता करती है ना, इस संसार में कोई चिंता करने वाले नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। मृत्यु के अंतिम दिन तक है, लास्ट डेज ऑफ लाइफ, माँ चिंता करती रहती है मेरे बेटा कैसे, मेरा बेटी कैसी है। मैं तो सोचता हूँ बेटा से बेटी की जो और भी चिंता कर रही माँ जो है, बेटा जैसे जैसे तो खड़े हो जाते हैं बेटी के लिए और भी चिंता है। बात ऐसे कलयुग है, बेटी किस में घर में गए, वो घर कैसे है क्या पता है, है? आजकल तो खबर कागज में आता है ना, नारी निर्यातन, बड़े बड़े हेडलाइन में आ जाता है, है? है? दहेज के लिए, किसके लिए और दूसरे के कारण के लिए, हमें किसके पक्ष नहीं ले रहे हूँ, जेंटलमैन डोंट वरी, ये हमारे मेरे बात करने की तात्पर्य नहीं, किंतु ये पेपर में आता है, अमर उजाला पेपर में आता है, नारी निर्यातन कहीं ठीक है, किस कारण से हो रहे वो भी पता भी नहीं है, कौन बता सकते है? वो सच है कि झूठ है कौन पता है, है? एक दूसरे के फंसाने के लिए भी हो सकता है, है? आप बताओ है माँ की कितना चिंता रहती है आजकल, ना जी नहीं कैसे, माँ जैसे हमारे लिए चिंता करती है इस संसार में चिंता करने वाले कोई नहीं, वास्तविक सत्य है, उनके लिखा पढ़ाया सिखाया और उनके लिए सारे अंतिम दिन तक माँ चिंता करती रहती है मेरा बेटा बेटी, आप चिंता करते हो बेटा के लिए कि नहीं, बेटी के लिए चिंता करते रहते है, इतना चिंता रहते, हमारे लिए इतना चिंता नहीं है, बन महाराज आएंगे कि नहीं वो चिंता कम होता है चिंता किसके लिए, बेटा बेटी के लिए, नाती नातिनी के लिए, नाती नातिनी के लिए चिंता उतना है, बेटा बेटी की चिंता कैसे है, इसलिए तो माँ करी है बेटा है, मातृ ऋण इतने सहज संभव नहीं है, आप इसे समझिए अच्छी तरह से, हम किसके पक्ष में, वास्तव में सत्य है, इसलिए कहते पिता जी के भी स्तुति करते, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमापन्य प्रियंते सर्वदेवता, पिता धर्म स्वरूप है, पिता धर्म, पिता सर्ग, पिता सर्ग की साक्षात रूप मूर्तिमान है, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमापन्य प्रियंते सर्वदेवता, पिता प्रसन्न हो जाए सभी प्रसन्न हो जाते, ऐसे शास्त्र में, और माता के लिए कहते माता मातृ सम, माँ के भांति ऐसे संसार में हो नहीं सकता है, माँ जिस प्रकार हमारे लिए, हमारे लिए त्याग शिकार आदि किया और किसी के संभव है, इसलिए हमारे शास्त्र में वेद में उपनिषद में सर्वत्र जो है कीर्तन किया जाए है, माताओं के स्थान सर्वोपरि दिया गया, सर्वोपरि समझे सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है, देखो माता जी के लिए कह रहे, भारतवर्ष ऐसे एक देश है जहां पर
माताओं के स्थान सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर ही रहा गया, शिखर पर रहा गया, रखा गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, भारत माता की जय, माँ की शान है, माँ की शान इतने सुंदर। अभी हम आज ऐसे माँ के ऋण से मुक्त तो कैसे हो जाएंगे? और जब तक हम किसी के ऋण ऋण से मुक्ति बार बार आना पड़ेगा है? उसके लिए कह रहा है गौतम मुकुंद परिहित कर्तव्य, सबके मुक्ति दाना दानी देने वाले कौन है? अरे मुकुंद, भगवान के एक नाम क्या है? मुकुंद कहा गया, मुक्ति दादी जैसे इति मुकुंद, समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त कर देते हैं जिनके चरण आश्रय लेने से है? आप सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाओ, मातृ ऋण से मुक्त हो जाओगे है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगी, सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो, एकमात्र प्रभु के शरण शरण में आ जाओ बस। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अंतिम, गीता के अंतिम श्लोक क्या बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच, मा शुच। भगवान कहे अर्जुन तुम समस्त प्रकार के शोषण के सब त्याग दो, जो चिंता तुम कर रहे हो, जो तुम शोक कर रहे हो है? मेरे शरण में तू आ जा, मैं तुमको वचन देता हूं है? जितने प्रकार की तुम्हारे ऋण है, जितने प्रकार के पाप है, समस्त पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं, क्यों? मैं भगवान हूं, समझ में? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त प्रकार के धर्म त्याग देकर के मेरे धर्म मेरे शरण में तू आ जा है। तात्पर्य क्या है? हम यही नहीं कह रहे हैं तुम मातृ सेवा मत करो, पितृ सेवा मत करो, ठीक है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहे, किंतु भगवान के शरण में आ जाओ, गोविंद के शरण में आ जाओ है, उनकी चरण में एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो बस है। शास्त्र में कहा एक बार कोई गोविंद के शरण में आकर हाथ जोड़ कर लेते हैं है? एक को सिरोदपि, एक बार सिर झुका करके भगवान के शरण में जब प्रणाम कर लेते हैं, उनके संसार से मुक्त हो जाता है। दशाश्वमेधि पुनरति जन्म, कृष्ण प्रणामेनो न पुनर्भवाय, आप 10 बार अश्वमेध घोड़े के यज्ञ होता है ना है, अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, बहुत पुण्य होता है, दशाश्वमेधि पुनरति जन्म, 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल होता है वो उससे कटिगुण फल प्राप्त हो जाता है। एक बार कोई गोविंद के चरण में सिर झुका करके प्रणाम कर ले, क्या करोगे? सिर झुका करके प्रणाम कर, कुछ करना नहीं है, प्रातः काल में उठिए, ठाकुर जी को है ना, गोपाल जो है एक बार प्रणाम करके चलिए बस। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद जाजी मां नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मनमना भव, तुम्हारे मन जो है मेरे ऊपर अर्पित कर दो, कहते हमारे मन तो चरित्र बिक्री हुए हम कैसे देंगे? अच्छा भगवान कहते हैं ठीक है, मन देना नहीं चाहते मन भव, मत जाजी मेरी पूजा करो, कहते हमारे पास समय नहीं है, ऑफिस जाना है ना है, स्कूल जाना है, बाल बच्चा है, टें 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 करते हैं, रोटी बनाना है, खिलाना पिलाना है, आए आपके पास समय, हमारे पास समय कहाँ है? भगवान कहते अच्छा ठीक है, अच्छा एक बार तो प्रणाम तो कर सकते हो, मत जाजी मत मनमना भो मत भक्तो मत जाजी, बोले हमारे पास ये तो पूजा अर्चन करने भी समय नहीं है, भक्ति करने भी समय नहीं है, भगवान कहते कुछ करने के समय नहीं है, जा तो एक बार जा क्या करो, मांग नमस्कुरु, नमस्कुरु माने प्रणाम करो वश है। अच्छा ये कर सकते नहीं फिर, बोले कोई कहते हैं महाराज प्रणाम कर, ऑफिस जाना है, जूता पहना हूं ना,
फिर जूता खोलने में भी समय लगता है। बोले कोई बात नहीं है, तू दूर से प्रणाम करके चल। बहुत लोग होते हैं ना मंदिर में आ नहीं रहे। बोले क्यों नहीं आ रहे, बाहर खड़ा है। वे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले गुरुदेव क्या बोले, पिताजी बाहर खड़े हुए। क्यों? मैं पिताजी के जूता खोलने में कष्ट हो रहा है। बोले जूता नहीं खोलेंगे मेरे पिताजी। अब बोले ठीक है पिताजी के बोल, वहीं से ठाकुर जी के प्रणाम करके चले जाए। बोले वृंदावन यार, किसी भी प्रकार से प्रणाम करके जाओ। है अच्छा, भगवान के पास आने कैसे आना चाहिए? है जूता पहन करके कि जूता खोल करके? है जूता खोल करके आना चाहिए ना। है आप मंदिर में गए एक व्यक्ति, है तो जूता तो रख दिया। है उनके मन बहुत विचलित होने लगे, कहीं हमारे जूता कोई और दूसरे के पे पहन करने चले जाए। इंडिया में होता ही ना भाई? होता है, बहुत होता है। हैं आ समझे, कौन किसको जूता पहन कर, जिसको वो अपने जूता छोड़ करके नई जूता देखा तो उसके पहन कर चले जाए, ऐसे ही होता है। तो व्यक्ति बहुत कीमती जूता था उसके पास, तो वो आकर के मंदिर में आए, जूता तो वहीं पर रखा, तो मन मन चिंता करने लगे कि मेरा कोई जूता ले जाएंगे। है इतने समय भगवान कहने लगे तू जूता पहन करके ना, तो देख मैं जूता नहीं पहना। ठाकुर जी के चरण में जूता है कि नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब वो सोचने लगे ठाकुर जी के पैर में जूता नहीं है, मैं क्यों जूता लू? देखो ठाकुर जी के पास जाओ, हाथ जोड़ करो, प्रणाम करो, है सबसे ऋण से तुम मुक्त हो जाएगा। और कुछ करना, इसलिए गीता में जो भगवान करें सर्वधर्म अनुपरित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मां, समस्त पाप से तुम्हें मुक्त करा देता हूँ। जीवन में और कुछ नहीं, भगवान की शरण में तो आ जाओ। एक बार भगवान की शरण में आ जाओ। है बोले शरण में कैसे आएंगे? बोले दो हाथ उठा दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ करना नहीं है, एक बार भगवान के हाथ उठा दो बस, ये प्रभु मैं तुम्हारा, मुझे शरण में ले लो। है सच्चे मन से बोलना पड़ेगा ना। है प्रभु के भगवान कहते हैं देखो मेरी शरण में आने के पहले मेरे भक्तों के शरण में तू आ जा, तब स्वीकार करेंगे। आराधना सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनां समर्चनम। इस श्लोक आप याद करिए। एक श्लोक कौन बोले? स्वयं महादेव जी। कौन? महादेव शिव जी। वैष्णवाणां यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? महादेव शिव जी। शिव जी जैसे परम भक्त न भूत न भविष्यति। स्वयं शिव जी देवी पार्वती के सुनाने लगे। एक बार देवी पार्वती कहने लगे हे नाथ पतिदेव, ये बताइए हमें किसको पूजा करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ देव कौन है जिसके हम पूजा करें? त्रिदेवता कह दिया, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है आप मुझे बताएं, निष्कपट रूप से मुझे। तो शिव जी कहने लगे देखो ये श्लोक आ रहे, आराधनां सर्वेशां विष्णु आराधनम परम। कहकर शिव जी चुप हो गए। जितने प्रकार के हमारे आराध्य देव है पूजा की जो है, श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है, विष्णु की पूजा करो। तो हम शिव जी करो, हम रहते कहते मेरे पूजा करो कह देते हैं, किंतु शिव जी नहीं बोले मेरे पूजा करो, शिव जी नहीं बोले और किसी की पूजा करो। शिव जी क्या बोले? आराधनां सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना। स्वयं शिव जी उनकी आराधना करते हैं। शिव जी किसको नाम लेते हैं? हैं वही प्रभु के नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं। ब्रह्मा जी जितने देव देवियां हैं
किसका किसके नाम लेते हैं, किसका आराधना करते हैं? वही परम पुरुष स्वयं भगवान है कृष्ण। ब्रह्मा जी के कितने सिर है? चार है। आपका कितना है? एक ही नहीं। एक है, एक ही नहीं जीवित कैसे हो? ये गणेश है, काट दिया आपके एक है, वो कभी भी कम नहीं करता है। हम कहते ना मेरे सिर कम नहीं करे है? देखो सिर, ब्रह्मा जी के कितने सिर है, मस्तक है? चार है। वो चार मस्तक की तरह ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो कृष्ण नाम जप करते हैं है? और शिव जी के कितने मस्तक है? पांच है, पंचानन कहा जाता है। और वो राम नाम जप करते है? देखो ये शिव जी कह रहे हैं, देखो हम जितने देव देवियां जो कुछ भी सब हम श्री हरि की आराधना करते हैं। आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, परम आराध्य वस्तु कौन है? भगवान विष्णु हरि है। ऐसे करके शिव जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। श्लोक पूरा नहीं हुआ, श्लोक के दो चरण होता है, दो चरण, देयर आर टू लाइन्स। तो पहले लाइन को आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन नहीं बोल रहे तो श्लोक पूरा नहीं हो रहा। इसलिए देवी पार्वती कहने लगी, ये नाथ आप बताइए, एक लाइन तो बोला, दूसरी लाइन नहीं बोला, श्लोक पूरा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद शिव जी कहने लगे, देवी पार्वती दूसरी लाइन की कथा बहुत गोपनीय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय तत्व तो। क्या है? नहीं बताइए। बोले सुनो देवी, तस्मात परतरंग देवी त्वदीय नाम समर्चनम, विष्णु आराधना करना है। देखो विष्णु की ये प्रियजन जो है, है जैसे गंगा तुलसी है, गिरिराज गोवर्धन गुरु है वैष्णव, ये मेरा प्रियजन है। भगवान के सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवत भक्त जो है, भगवान के अंदर प्रियजन जो है, जिसका हम गुरुपाद बुद्ध कहते हैं। बिनु गुरु भवन दि तरेव ना कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी लिख रहे, रावण के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, ब्रह्मा के भांति शिव जी के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, तत्ज्ञ भी हो जाए है, किंतु जब तक हम गुरु के चरण आश्रय नहीं करें तब हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कर पाते। फिर कहते हैं बिनु गुरु भवनिधि तरुण कोई, जो बिरिंची शंकर समान हुई। बिरिंची बने ब्रह्मा और शंकर बने शिव, अर्थात ब्रह्मा शिव के भांति कोई महान ज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब तक गुरु चरण आश्रय नहीं करें है, गुरुदेव के चरण हम जब तक आश्रय नहीं करें, हम भगवान की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। इसे संग शिव जी कह रहे हैं, आराधनं सर्वेशं विष्णु आराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तद्यनं समर्चनं। तद्यनं भगवान का तंत्र प्रियजन कौन है? अरे गुरुपाद है। प्रथमंतु गुरुपूज्यं ततश्चैव मम अर्चनं। संग भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, गुरु और कृष्ण यदि एक ही साथ में खड़े रहे, भगवान एक साथ में खड़े रहे, तो पहले किसको प्रणाम करो? अरे गुरुदेव के प्रणाम, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हम भगवान के समझ पाएंगे है। उनकी कृपा जब तक नहीं हुआ हम भगवान के समझ नहीं पाएंगे है। इसके समझने के प्रयास करो है। इसलिए शास्त्र में कहा गया प्रथमंतु गुरु पूज्यम, पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? गुरुदेव की पूजा। प्रातः काल में उठ करके किसके पूजा करो, किसके स्मरण करो? गुरुदेव के। संसार दावा नल निरलोक प्राणाय कारुण गण गणयतम प्राप्त सकल्याण गुणार्णवश वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री ग्रहारा
धन नित नाना श्रृंगार तन मंदिर मजनाद भक्तांश निरुंजतो वंदे गुरु श्री शरणारविंद। गुरुपाद समस्त शास्त्र में गुरुदेव की महिमा दिखाई गई है, इसलिए गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक गुरु कृपा नहीं हो तब तक हम भगवान की समझ नहीं पाएंगे है। यही विग्रह है आपके, कितने सुंदर गुरु नित्यानंद है ना, कितने सुंदर विग्रह। ये कथा बोलेंगे, बातचीत करेंगे आपके साथ, कब जब आप उनके साथ बात करोगे। आप बात करती है इसके साथ? कभी कभी बात करो, बढ़िया बात है। कब ठाकुर जी बात करेंगे है? जब मुझे शरण में आ जाओ, गुरु कृपा जिसको हो जाता है ना, करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया गुरु की महिमा दिखाया शास्त्र। जब तक हमें गुरु कृपा नहीं हो हम भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादा नगद कुतोपी धैन सुबंक जसस्त्री संदम वंदे गुरु श्री चरणार। जिनकी कृपा होने पर भगवत कृपा होती है। गुरुदेव की कृपा जब तक नहीं हो तब तक हम भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर पाते है। प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? गुरु कृपा है। इसलिए हमारे जीवन की एक ही लक्ष्य रहेगा, क्या? गुरुदेव कैसे प्रसन्न हो है। सारे वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र क्या किया? गुरु के महिमा बताया। किसके महिमा बताया? गुरुदेव की महिमा, गुरु महिमा है। इसलिए आचार्य मांग विजनया ना वो वन ने कही चित न मर्त बुद्धवा सर्वदेवमय गुरु है। गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखना। जिसके गुरुदेव की श्रद्धा हो जाती है प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है, अत्यंत की श्रद्धा जो का देता है, अनफ्लिंचिंग फेथ जिसको हो जाता है, वो साक्षात भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसी जन्म में आपकी प्राप्ति होगी। किस जन्म में? दिस जन्म, दिस लाइफ है। केवल गुरु के प्रति निष्ठा हो जाएगा है। जिसे कहा जाता है क्या निष्ठा बताया? अत्यंत की निष्ठा, अत्यंत की श्रद्धा, अत्यंत की निष्ठा, अनफ्लिंचिंग फेथ है। वो है क्या चीज? डू और डाई, ऐसे भावना हो जाए, माने करेंगे और मरेंगे, इस जीवन को छोड़ना नहीं है। है क्या करना है? हम कहते हैं छोड़ना नहीं, क्या करो? जोड़ना है। किसको तुम छोड़ोगे है? जोड़ो ठाकुर के साथ है संबंध के अंतर, वो गुरु कृपा थी है। एक जन्म इसी प्रकार ये गुरु की कृपा हमें कैसे प्राप्ति हो जाए, और कुछ करना नहीं है। और यदि गुरुकरण नहीं किया, यदि भजन नहीं किया, बस फिर वही 84 लाख जन्म भ्रमण करना पड़ेगा है। और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिले भजन नहीं होता है। इसलिए कहता है ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है, किंतु ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति करेंगे है। कुत्ते बिल्ली है पशु भगवत भजन करते हैं। यहाँ पर कुत्ता बिल्ली है क्या है? बैठेंगे नहीं सत्संग में, ना उनकी कोई पता है कुछ। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के आम सत्संग में बैठ सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। भगवान हमें क्या दिया? विचार शक्ति दिया है, डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें दिया है। हम विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, शास्त्र ज्ञान कर सकते हैं, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड वो हम विचार कर सकते हैं।
किंतु पशु में ये नहीं है, पशु हरि भजन नहीं कर नहीं पाएंगे। हम तो भगवान के नाम ले सकते हैं, है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सबके निकट मेरा ही यही करबद्ध निवेदन है, आप लोग सब प्रभु के भजन करें, है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, तुलसीदास जी का दे एक बार प्रभु के नाम लो। जितने हमारे संत महात्मा आए हैं, है? कभी नानक जी कहे, सभी संत महात्मा एक ही कहते हैं, नाम प्रभु के नाम है, ये प्रभु के नाम ग्रहण करो वास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आज बहुत प्रसन्नता हुई हमें, है? हमारे क्या नाम था, अनुराधा दीदी, अनुविलासिनी दीदी, है? है? अच्छा, आपके लिए आरती दीदी बहुत अच्छी है, अनुविलासिनी, अच्छा नाम है ना, है स्पिरिचुअल नाम, उनके लिए ताली बजाओ, अच्छे नाम जो राधा जी के सदा सर्वदा पीछे पीछे चलती है, इसलिए नाम हो गया क्या, अनुविलासिनी, है? अनु माने निरंतर, पर उनके पीछे राधा जी की पीछे पीछे जो चलती है, इसलिए राधा जी के एक नाम ही है, राधा जी के एक सखी के नाम है अनुविलासिनी, है? बहुत सुंदर नाम है। आज हमने उनके घर में भी हवन भी किया, है? और हवन के पश्चात सभी लोगों ने सुंदर स्वादिष्ट चप्प चस् लिज्जप्य महाप्रसाद भी हम ग्रहण किया कि नहीं, है? और भक्त लोग सभी लोग आनंदित हुए, अभी भी हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद भी सबको दिया जाएगा, बिना प्रसाद से कोई जान नहीं है, कोई मत जाओ, सब प्रसाद लेकर के जाओ। प्रसाद शब्द के दो अर्थ होता है, प्रसाद होते हैं भगवत निवेदित जो उसके कहते हैं महाप्रसाद, और ये प्रसाद माने कृपा, क्या बोला, कृपा दे प्रभु की, ये दाल चावल सब्जी नहीं है, प्रभु की कृपा महाप्रसाद, है? इसलिए कहा जाता है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे सर्व पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाए, है? साधारण लोग विश्वास नहीं हुआ, ये महाप्रसाद सत्सात गौर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद की विशिष्ट प्रसाद है। इसलिए आप लोग सभी प्रसाद ग्रहण करें, है? हरि कथा जो श्रवण किया वो स्मरण करें, यह चिंतन करें, ये मेरे जीवन मनुष्य जन्म भगवान इसलिए दिए हैं कुछ हरि भजन करने के लिए, हम सब आए हैं हरि भजन करने के लिए, और कोई कारण नहीं है, आए थे हरि भजन के लिए ओटने लगे कपास, हम सब आए हरि भजन के लिए, किंतु माया के दुर्दैव से हम इधर उधर भटक रहे, किंतु शास्त्र कहते हैं हरि भजन करें सब, जैसे आपके जितना समय मिल जाए उतने ही समय में आप प्रभु के नाम लें, ठीक है? संसार में तो रहना है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ देखभाल करना है, किंतु उसमें ही रह करके थोड़ी सी समय निकाल करके क्या करेंगे, प्रभु के नाम जप करो, पूरा नाम जप कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, थोड़ा आरती कर दीजिए और सबका प्रसाद, महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की।
हरो गोविंद बल्लभ हरि गोपाल बोलो गोविंद बल्लभ हरि गोपाल मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो आरी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो आरी बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो जय सच्चिदानंदन जय गौर भोरी जय सच्चिदानंदन जय गौर भोरी जय सच्चिदानंदन जय गौर भोरी जय सच्चिदानंदन जय गौर हरे नित्यानंद प्राण धन नदिया बिहारी नित्यानंद प्राण धन नदिया बिहारी बोलो नदिया बिहारी जय नदिया बिहारी नदिया बिहारी जय नदिया बिहारी बोलो जय सच्चिदानंद जय गौर होरी जय सच्चिदानंद जय गौर विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी बोलो गौरा 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 रक्षमा गौरा 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 पाहिमा गौरा गौरा नितई 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 रक्षमां नितई 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 पाहि मां नितई 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 रक्षमां नितई 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 रक्षमां हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि बोल ओ गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल ओ गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जीवा जय जय गोरा चांदे आरती कसो भाकी बजयो जय गोरा आरती कसो आर जान बीतट बने जग मन लो भाजा एवरीबॉडी कम हियर जग जनेर मन लोबा गोरांगे आरती शोभा जग जनेर मन लोबा गोरांगे आरती शोभा Oh,
Thank you everyone for coming.